छतरपुर निवासी समाज सेवी महेश चौरसिया ने जिला अस्पताल को मरीजों के लिए सप्रेम भेंट किए हैं 15 पलंग और सीएमएचओ डॉक्टर सतीश चौबे ने लोकार्पण किया तथा दान दाता महेश चौरसिया की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। डॉक्टर बीपी शेषा ने श्री चौरसिया के कदम की सराहना करते हुए कहा कि लोग महेश चौरसिया से कार्य के दान करने की प्रेरणा लेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर लखन तिवारी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अस्पताल में पर्याप्त पलंग नहीं थे जिससे मरीजों को जमीन पर लेटना पड़ता था। श्री चौरसिया ने अस्पताल को पलंग भेंट कर मरीजों की बड़ी मदद की है। उनका यह पुनीत कार्य सराहनीय है। अस्पताल प्रबंधन उनका पूरे परिवार को धन्यवाद ज्ञापित कर सुखद जीवन की कामना करता है। शिक्षक पी के द्विवेदी ने भी खुशी व्यक्त की है। महेश चौरसिया ने कहा कि उन्होंने अपने पिता श्री हरदयाल चौरसिया की प्रेरणा व ईश्वर की इच्छा से जिला अस्पताल को बेहतर क्वालिटी के 15 पलंग भेंट किए हैं। उन्हें दान धर्म करने से संतोष मिलता है। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने उन्हें एक अच्छा और सच्चा इंसान बनना सिखाया है। अच्छे कार्य करने के लिए वह सदैव तत्पर रहते हैं। वह मानते हैं कि जनसेवा ही नारायण सेवा है। उनसे जो भी हो सकेगा हमेशा जन सेवा करते रहेंगे। जनपद में जाना है जी। आपका शुभ नाम? महेश चौरसिया सर। जैसे कि चौरसिया जी, अभी आपने पूर्व मान्यता की सेवा के लिए आगे आए हैं और जिला चिकित्सालय को आपने 15 बेड दान में दिए हैं, ये किसकी प्रेरणा से और कैसे आपके मन में विचार आया कि पूर्व मान्यता की सेवा करना चाहिए? जी, हमारे पिता से ही द्वारा उनकी ज्यादा इच्छा थी और घर में हम सभी बच्चों के भी यही विचार बना कि जी बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार मन देने से हमेशा उपयोग में आएंगे मरीजों के लिए। इस हिसाब से हमें जो कमी रहती है किस प्रकार का खुशी का माहौल आज देखे रहे सब लोग खुशी थे। हमारे बीच में डॉक्टर बीपी शेषा साहब हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो है समाज सेवी के रूप में ये चौरसिया जी ने ये दान दिए हैं ये पलंग, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े खुशी का दिन है और खुशी का दिन चौरसिया समाज से होता ही रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। आज ज्यादा खुशी का दिन है, आप लोगों ने यहाँ पर पलंग दान किए हैं और हम लोगों की हिम्मत बढ़ाई है, हम लोगों को अच्छा लगा है और हम लोगों को ये लगने लगा कि हमारा जो अस्पताल है वो वास्तविक जनता का है और चौरसिया समाज उसमें प्राथमिकता दे रहा है। समझदारी से उसको हम बधाई देते हैं कि इसी प्रकार से भविष्य में भी हम लोगों की मदद करते रहेंगे और सबको जागृत करते रहेंगे। तो निश्चित तौर से इनके द्वारा लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हाँ, इस प्रकार की सेवा हमें आगे आना चाहिए। बिल्कुल, इस समाज से हम सबको प्रेरणा लेना है और सभी समाजों को प्रेरणा लेना में तो बड़ी शर्म की बात है। अब हमारे एक समाज ने किया तो सभी समाज करें, सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है। द्विवेदी जी हमारे बीच में है। द्विवेदी जी, आज किस प्रकार का खुशी का माहौल आप महसूस कर रहे हैं जो महेश चौरसिया जी ने जिला चिकित्सालय को 15 बेड दान किए हैं, किस प्रकार से लोगों को प्रेरणा मिल रही है? क्या ये एक बहुत ही अनूठी पहल है और देखिए आज के समय में पैसे सबके पास है, कमाता सबको ही है, लेकिन उसका समाज हित में, गरीबों के हित में यदि कोई आदमी दान करे तो वो एक अलग एक प्रेरणा मिलती है, समाज को एक संदेश जाता है कि ऐसे कार्यक्रम अन्य सभी लोग भी करें जिससे समाज का हित हो, देश का हित हो और मन में अंतरात्मा में बड़ी खुशी महसूस होती है जब कोई इस तरह के काम करता है, क्योंकि ये हमारे मित्र हैं तो हमें भी आज बड़ा खुशी का अनुभव हो रहा है कि हमारे मित्र के द्वारा इस तरह से एक अनूठी पहल प्रारंभ की गई है। मैं समाज के अन्य लोगों से भी, अन्य वर्गों से भी यही निवेदन करूंगा कि इनके द्वारा किए गए इस कार्य से प्रेरणा लेकर के वो भी इस तरह के काम करते रहे। जिस तरह क्या कार्यक्रम आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज चौरसिया समाज के द्वारा करीब 15 बिस्तर जो है दिए गए हैं जिला चिकित्सालय को, इसका लोकार्पण करने के लिए मैं आया था। इस प्रकार इस कोरोना दौर से जूझ रहा है इसमें पूरा देश, तो समाज सेवी छतरपुर के आगे आ रहे हैं अस्पताल की पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए, तो इस प्रकार से आप मतलब पीड़ितों को, इस समाज सेवियों को क्या धन्यवाद देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे
और ये अपेक्षाएं हैं कि समय कठिन दौर पे जो अपना देश गुजर रहा है अधिक से अधिक समाज के भी सामने आए और दान देना एक अपने भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा वो है, इसलिए आदमी को कहा जाता है 10% अपने जीवन का कमाए हुए दान करें, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि दान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे अपना अस्पताल जो है जिले का सबसे अच्छा अस्पताल बन सके। जी सर, क्या कहना चाहिए आज अपना दान? हाँ, जो ऐसे समाज ने हमको हमारे जिला चिकित्सालय को पलंग है अनुदान में दिए, उससे हमारे मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा रहेगी। जो हमको इमरजेंसी में पलंग की अफरा तफरी हो जाती थी, कोई आ जाती थी इकट्ठे पेशेंट, तो उनको हमको कहीं ज़मीन में लिटाना पड़ता था, कमी थी पलंगों की। तो इसके लिए हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और इस तरह से इनके करने से समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और लोग ऐसा अस्पताल के लिए सुविधाएँ प्रदान करते रहेंगे, दान करते रहेंगे और आपके शहर का, आपके जिले का अस्पताल अच्छा चलता रहेगा। धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छतरपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट।